You're watching Exposed India. नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया, मैं प्रियंका अस्थाना। द्रव्यमान को नापने का तरीका अब बदल चुका है। जी हाँ, एक किलो चावल या गेहूं अब द्रव्यमान की मापने की इकाई से ज्यादा उपयुक्त हैं, क्योंकि अब पैमाइश की इकाई किलोग्राम को और ज्यादा वैज्ञानिक और बाहरी प्रभावों से मुक्त बना दिया गया है। हाल ही में पेरिस में हुई एक कॉन्फ्रेंस में अंतरराष्ट्रीय मानकों को मानने वाले 50 देशों ने वस्तुओं के द्रव्यमान को नापने के लिए क्वांटम भौतिकी के प्लैंक्स कांस्टेंट के इस्तेमाल पर रजामंदी दे दी है। इसके जरिए हल्की से हल्की और भारी से भारी वस्तु का द्रव्यमान बिल्कुल सटीक तरीके से निर्धारित किया जा सकेगा। पहले समझ लें कि द्रव्यमान की मात्रा किसी भी स्थान पर नहीं बदलती है, मतलब चांद पर या धरती पर आपका द्रव्यमान एक ही रहेगा। हाँ, आपका भार बदल जाता है, क्योंकि दोनों जगह गुरुत्वाकर्षण अलग अलग होता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एक्सपोज इंडिया पर, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।